नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार टॉप 10। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। हरियाणा में कांग्रेस ने गवर्नर से टाइम मांगा, बीजेपी के पास सरकार बचाने के तीन रास्ते। हरियाणा में तीन निर्दलीय विधायकों द्वारा भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से मिलने के लिए समय मांगा है। उधर जननायक जनता पार्टी ने फ्लोर टेस्ट की मांग की है। हरियाणा की 90 संसदीय विधानसभा में अभी 88 विधायक हैं, ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 45 है। सरकार के पास 43 विधायकों का समर्थन है, इनमें 40 भाजपा, 2 निर्दलीय, 1 हलोपा विधायक है, 2 और विधायकों की जरूरत है। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जो टीम हारी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। आईपीएल में शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला है, जो टीम हारी वो बाहर हो जाएगी। पंजाब के 11 मैचों में 4 जीत और 7 हार से 8 पॉइंट्स हैं, टीम 8वें नंबर पे है। आरसीबी के भी 11 मैचों में 4 जीत और 7 हार से 8 पॉइंट्स हैं, टीम बेहतर रन रेट के कारण पंजाब से ऊपर 7वें नंबर पर है। ईडी का सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत का विरोध, कहा प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सीएम केजरीवाल की जमानत का विरोध किया है। ईडी ने अदालत में एफिडेविट फाइल किया। एजेंसी ने कहा कि प्रचार करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 2 मई को सुनवाई में कोर्ट ने ईडी से कहा था कि चुनाव 5 साल में आते हैं, ये असाधारण परिस्थिति है। केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद है। एमपी में बेटे से वोट डलवाने वाले जिला पंचायत सदस्य पर एफआईआर, पूरी पोलिंग पार्टी सस्पेंड। मध्य प्रदेश के भोपाल में 7 मई को जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर ने अपने नाबालिग बेटे से वोट डलवाया, अब पिता पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं पीठासीन अधिकारी समेत पूरी पोलिंग पार्टी को सस्पेंड कर दिया गया, हेड कांस्टेबल लाइन अटैच है। मेहर ने खुद ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। सरकार की रिपोर्ट, 65 साल में हिंदुओं की आबादी 7.8% गिरी, ओवैसी ने इसे व्हाट्सएप रिपोर्ट बताया। भारत में 1950 से लेकर 2015 तक हिंदुओं की आबादी में 7.8% की गिरावट आई है, जबकि मुस्लिम की आबादी में 43.15% का इजाफा हुआ। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने इसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट करार दिया। प्रियंका गांधी ने कहा, हमें उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए जो लोगों के जीवन से जुड़े हैं, भाजपा अपने हिसाब से मुद्दे बनाती है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज के मुताबिक हमले के वक्त मृतक सो रहे थे, गोलीबारी में 1 व्यक्ति घायल भी हुआ है। मृतक पाकिस्तान के पंजाब के रहने वाले थे, ये गदावर पोर्ट के पास नाई की दुकान पर काम करते थे। बाइडेन बोले, इसराइल राफा में घुसा तो हथियार नहीं देंगे। इजरायली मंत्री बोले, हमास लव्स बाइडेन। बाइडेन ने नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि अगर इजरायली सैनिक राफा में घुसे तो वे इजरायल को दिए जाने वाले हथियारों की सप्लाई रोक देंगे। इससे पहले 2000 पाउंड के बमों की एक खेप इजरायल भेजी जानी थी, जिसे पिछले हफ्ते रोक दिया गया। पिछले 7 महीनों से जारी जंग के बीच ऐसा पहली बार हुआ। सलमान की सिकंदर में रश्मिका मंदाना की एंट्री, पहली बार साथ स्क्रीन शेयर करेंगे दोनों। सलमान खान की अगली फिल्म सिकंदर में रश्मिका मंदाना की एंट्री हो गई है। फिल्म मेकर्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये अनाउंसमेंट की। सलमान और रश्मिका पहली बार साथ काम करेंगे। इसे गजनी और हॉलीडे जैसी फिल्में डायरेक्ट करने वाले AR मुर्गुदास डायरेक्ट करेंगे। फिल्म अगले साल ईद पर रिलीज होगी। नवनीत राणा बोली, 15 सेकंड के लिए पुलिस हटाओ, पता नहीं लगेगा दोनों भाई कहां गए। महाराष्ट्र के अमरावती से भाजपा कैंडिडेट नवनीत कौर राणा ने हैदराबाद में रैली में कहा, छोटा भाई यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। उनको 15 मिनट चाहिए, हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। बड़ा छोटा कहां गया, पता नहीं चलेगा। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने जवाब में कहा, आप 15 सेकंड नहीं 1 घंटा ले लीजिए, आपको रोक कौन रहा है, हमें बताइए कहां आना है, हम आएंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 30 क्रू मेंबर्स को नौकरी से निकाला, एक साथ छुट्टी पर गए थे।
टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने 30 क्रू मेंबर्स को नौकरी से निकाल दिया है। 7 मई को एयरलाइन के 200 से ज्यादा सीनियर क्रू मेंबर्स एक साथ छुट्टी पर चले गए थे, जिसके चलते एयर इंडिया की 90 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी थी। गुरुवार को 74 फ्लाइट रद्द की गई है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।